हिंगनघाट शहर के लक्ष्मी टॉकीज ने सड़क पर अतिक्रमण करने के साथ ही फिल्म देखने आए लोगों के वाहन सड़क पर रहने से गंभीर दुर्घटना की आशंका व्यक्त की जा रही है। लक्ष्मी टॉकीज व्यवस्थापन अपने मन मर्जी से टिकट खिड़की के सामने जाली के नाम पर रोड तक अतिक्रमण किया है, तो दूसरी ओर लक्ष्मी टॉकीज में फिल्म देखने आने वाले दर्शकों की दुचाकी चारचाकी रोड पर ही पार्किंग की जाती है। वे लोग जब फिल्म का आनंद लेने जाते हैं उसी समय सड़क पर दुर्घटना की संभावना होती है। लक्ष्मी टॉकीज व्यवस्थापन की खुद की पार्किंग व्यवस्था है, लेकिन वे इसका शुल्क लेते हैं, जिस वजह से फिल्म देखने आए लोग सड़क पर ही पार्किंग करते हैं। इसी स्थिति में सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों को गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसके लिए लक्ष्मी टॉकीज व्यवस्थापन दोषी होने की शहर में चर्चा है। इस प्रश्न पर शहर के पुलिस प्रशासन नगर पालिका प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करने की मांग अनेक बार दोहराई, लेकिन प्रशासन के कान पर जू तक ना रेंगी। किसी बड़ी दुर्घटना होने पर ही प्रशासन की नींद खुलेगी, ये सवाल पूछा जा रहा है। लक्ष्मी टॉकीज प्रशासन की मनमर्जी नगर पालिका पुलिस विभाग क्यों सहन कर रहा है, ये सवाल किया जा रहा है। प्रकरण की गंभीरता देखते हुए शहर के कुछ सामाजिक संगठन भी इस बारे में बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, ये भी चर्चा हो रही है। हिंगनघाट से बीसीएन न्यूज के लिए कैमरामैन योगेश लखोटे के साथ रवि योनौरकर की रिपोर्ट।